वो हमारा तो ये हमारा कब तक वेट करेगा जब तक हमारे प्रॉमिस का रिजल्ट नहीं हो जाता, चाहे वो रिजॉल्व हो चाहे वो रिजेक्ट हो। जब तक ये हमारे प्रॉमिस एक रिजॉल्व या रिजेक्ट स्टेट करता है, सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। करेगा सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो सर, अभी भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो सर एक्सप्लेन कर दीजिए, वॉइस इशू होता। एक्सप्लेन में देखो, प्रॉमिस है, प्रॉमिस बनाया हमने, ठीक है, जो कि रिजॉल्व रिजेक्ट स्टेट को रिटर्न करता है, ठीक है। अब हमने अवेट कीवर्ड का यूज किया है, जो कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड कराता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे हमने जब अवेट लगाया है, तो ये इसके जो बाद की लाइन्स है, या हम जो भी कोड लिखेंगे इसका बाद का, वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे 5000 मिलीसेकंड दिए हैं, तो हम अगर बटन पे क्लिक भी करेंगे तो हमें 5 सेकंड्स के बाद कंसोल डॉट लॉग दिखेगा और लेट बॉक्स दिखेगा। तो मैंने क्लिक किया है प्रॉमिस पे, जैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट हो जाएगा तब नेक्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, डन आ गया और 5 सेकंड जो वो डन। ओके ओके क्लियर है? यस सर, यस यस सर। सर ओके। एक्चुअली मेरे बर्ड्स की बैटरी लो हो गई है, तो जितने टाइम तक चलेगी उतने टाइम तक कंटिन्यू होगी क्लास, उसके बाद क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके या ओके सर, फाइन। सो यही सेम मेथड हम यहाँ पे अपने यूज करेंगे जब हमें फैट्स में ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वो वेट नहीं कर रहा था हमारे रिस्पॉन्स का, वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते जा रहा था। ठीक है, अब समझ में आया सॉल्यूशन क्या है उसका? यस सर। ओके, सो दैट्स व्हाई हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। सो लेट्स स्टार्ट। After this component, unbox सबसे पहले promise का एग्जाम्पल था, ईमेल बॉडी, ठीक है। लॉगिन, हम फिर से लॉगिन पर जाते हैं। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक जितना मैंने समझाया? अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अभी डिस्कस कर लेते हैं। नो ओके, सभी के सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए प्रॉमिस और एसिंक अवेट के? ओके नो यस, ओके फाइन। सो हमेशा याद रखना, जब भी आप एसिंक अवेट यूज करोगे तो आपको फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अवेट कीवर्ड यूज में नहीं आएगा। बस ये चीज याद रखना है आपको। ओके फाइन। सो लॉगिन के ऊपर फिर से जाते हैं। सो 3000, अब लॉगिन पे आ गए हैं हम। लॉगिन विद गूगल, सेलेक्ट अकाउंट, कंटिन्यू, यहाँ पे आ गया 1027, यही फिर से वही यूज कर रहे थे। हम जाएंगे इनबॉक्स के अंदर, इनबॉक्स पर चेस के अंदर, इनबॉक्स पर जेस के अंदर जाने के बाद मैथमेटिक्स को बताते हैं। ओके वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। यस सर। अरे और लेट
लड़की पे हाथ पे ये है हमारा मैसेज आईडी एंड सो ऑन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो हमें इसे एसिंक बनाना होगा, ठीक है? ये ही हमारा फंक्शन है, इसको एसिंक बनाता है। एसिंक ये बन गया एसिंक्रोनस फंक्शन हमारा। अब जो ये हमारा एसिंक्रोनस बन गया है, ठीक है, तो अब हम इस पे कॉल कराएंगे एपीआई को। देन कैच हटाते हैं यहाँ से। हाँ देन कैच हटाने के बाद अब हमें प्रॉमिस की नीड है, ठीक है, जो कि रिजॉल्वर रिजेक्ट हो, जब फैक्स खुद ही एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम इसे लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पे हमारा अवेट, ठीक है? तो ट्राई कैच का यूज करते हैं, ट्राई ट्राई कैच, ओके। ट्राई कैच के अंदर हम प्रॉपर कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट के अंदर फैच, अच्छी वाला ऑप्शन, जहां पे हमें अवेट लगाना है, ठीक है? जब तक हमारा डेटा नहीं आएगा तब तक अवेट करो। नेक्स्ट खोलेंगे मैसेज, डेटा लिख देते हैं इसको, ठीक तक अवेट करेगा ये, जब तक हमारे पास रिजॉल्व या डेटा नहीं आ जाता। तो हम इसमें लिखेंगे वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग मैसेज डेटा, ये फंक्शन के अंदर नहीं है। ओके, ठीक है, इसके आगे का जो हम सेशन है वो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, सर, तो कल स्ट्रिंग का वेट हम लगाएंगे और डेटा को गेट करके पेज के ऊपर शो कर देंगे। ओके, ओके सर, तो ओके सर, आज फिर से प्रॉपर पीडीएफ रीड करना, अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होते हैं तो आप कल पूछ सकते हो। ओके सर, ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।
यू या सर सर, हैव अ ग्रेट डे गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।